जेवर की तरह रखते थे माँ बाप बच्चों को, जेवर की तरह रखते थे माँ बाप बच्चों को, समान सामने ढो रहे औलाद माँ बाप, समान सामने ढो रहे औलाद माँ बाप को। घर का हुआ बंटवारा, घर का हुआ बंटवारा तो माँ बाप छट गए, घर का हुआ बंटवारा तो माँ बाप छट गए। जिंदगी दे बच्चों को महीनों में बट गए, जिंदगी दे बच्चों को महीनों में बट गए। संपत्ति पर सब अपना अधिकार रख रहे थे, संपत्ति पर सब अपना अधिकार रख रहे थे। माँ बाप किसके हिस्से हैं एक दूजे को तक रहे थे, माँ बाप किसके हिस्से हैं एक दूजे को तक रहे थे। अपने हिस्से की जमीन पर, अपने हिस्से की जमीन पर अधिकार पूरा चाहते हैं, किंतु जीवन की जमीन को थोड़ा थोड़ा बांटते हैं, जीवन की जमीन को थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। किसने दिया अधिकार को माँ बाप के बंटवारे का। बेटा बुढ़ापे की लाठी है, क्या अर्थ यही है सहारे का। बेटा बुढ़ापे की लाठी है, क्या अर्थ यही है सहारे का। क्यों नहीं पूछा बुजुर्गों से कि वो क्या चाहते हैं, किस दर्द पर अपना नन्ना घोंसला चाहते हैं, किस दर्द पर अपना नन्ना घोंसला चाहते हैं। पेड़ से यूं पृथक होना चाहती हैं क्यों टहनियाँ, पेड़ से यूं पृथक होना चाहती हैं क्यों टहनियाँ। ना कभी खिल पाएगी टूटेगी जो इस तरह कलियाँ, ना कभी खिल पाएगी टूटेगी जो इस तरह कलियाँ। हर खता को जो तुम्हारी बस माफ करना जानते हैं, बिन खता की वह तुम्हारी यह सजा भी मानते हैं, बिन खता की वह तुम्हारी यह सजा भी मानते हैं। अपने हिस्से के निवाले भी जो खिला देते थे तुमको, अपने हिस्से के निवाले भी जो खिला देते थे तुमको। रुखी सुखी भी नहीं दे पा रहे तुम आज उनको, रुखी सुखी भी नहीं दे पा रहे तुम आज उनको। मंदिरों में बैठने के पूजे के योग्य थे, मंदिर में बैठने के योग्य पूजन के योग्य थे। कर दिया भिक्षुक उन्हें कल्प वृक्ष के समतुल्य तुमने, कर दिया भिक्षुक तुमने कल्प वृक्ष के समतुल्य थे जो। बीच से जिसने तुम्हें वट वृक्ष सम बनाया है, पुष्प का बन करके जिसने सुरभि का उपहार पाया है। क्यों उन्हीं के रास्ते में खार तुमने बो दिए, क्यों उन्हीं के रास्ते में खार तुमने बो दिए। थे उजाले जिन दिनों से वो दिए क्यों खो दिए, थे उजाले जिन दिनों से वो दिए क्यों खो दिए। गीले बिस्तर पर भी जो सो जाते थे हंस करके, रात सारी जाग के तकिया भिगोते हैं अब, रात सारी जाग के तकिया भिगोते हैं। तो इतनी भावपूर्ण कविताओं से आपको परिचित कराएंगे पत्रवाचक, बहुत ही सुंदर कविताएं हैं इस संकलन में। बहुत बहुत बधाई है मीना जी को और इनकी आगामी पुस्तकों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।